वो भाभी आज कैसी सहायता निकाल रहे हो? आज हम सरकार को दिखाने के लिए कि गौ माताएं किस प्रकार मर रही हैं, सरकार मान ही नहीं रही है कि गाय मर रही है भूख से, तो हम आज प्रत्येक रूप में गौ माता की शव यात्रा को निकाल कर सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि लाखों गोवंश मर गया है और निरंतर गोवंश भूख से मर रहा है, आप तत्काल सारे पानी की व्यवस्था। तो ये जो गाय है जो हम मरी हुई लेके आए हैं, तो इसको शव यात्रा निकाल के आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? अब इसको हम यहाँ अहिंसा सर्कल तक जा करके कलेक्टर तक वापस आएंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे कलेक्टर के माध्यम से और लोगों को और सरकार को संदेश देने के लिए कि गाय भूख से मर रही है, तत्काल इनमें चारे पाने की आवश्यकता है, आप व्यवस्था करें। आखिर में इस शव का क्या करेंगे फिर? आखिर में जहाँ से शव लाया वहाँ वापस ले जाके इसको समाधिस्थ कर लिया जाएगा। और उसके बावजूद भी सरकार नहीं देखती, तो फिर हमारा आज ये प्रत्येक रूप में एक शव लाया है, इसके बाद हम हरेक गाँव से हमारा शुरू से ये था, हमने इनको कहा कि आप मान जाएँ नहीं तो आपकी बदनामी होगी पूरी विश्व के अंदर, मीडिया के लोग बताएंगे कि यह लाखों हजारों गायों के कंकाल आए हैं, तो गाय मरी है तो गाय कोई आसमान से ही कंकाल गिरे नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी गौ माता को चारा प्रदान करें। हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है कि आप लोगों को नीचा दिखाएं या आपसे धन का हरण करें, हमारा लक्ष्य केवल एक मात्र है कि गौ को चारा देना। तो इस सरकार कौन सी सरकार जिम्मेदार है? दोनों जगह अलग, दोनों जगह सरकार की कोई भी हो, यहाँ की हो वहाँ की, दोनों की बराबर जिम्मेवारी है, दोनों भारत में प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों का हक बराबर है और दोनों को तत्काल इसमें आगे आना चाहिए। किसानों का कर्ज तो माफ कर रहे हैं, गायों के लिए चारा पानी, गायों का वोट नहीं लगता है, किसानों के पास वोट है, किसान के नाम से पैसा देके वोटों का ध्रुवीकरण करके वोट लेना चाहते हैं, और खजाना कह रहे हैं कि गायों के लिए खजाना नहीं है, पैसा नहीं है। यही नियत में वोट है, गायों का वोट लगता तो गाय नहीं मरती, अब गाय भूख से मर रही है, उनके लिए खजाना खाली है और किसानों के पास, किसानों का कोई पर्टिकुलर किसान नहीं, किसान नाम से 70% वोटों को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, भारत में 70% लोग किसान हैं, किसानों को पैसा दे दिया, इस नाम से वो ध्रुवीकरण करते हैं वोटों, चाहे कोई भी दल के लोग।